अच्छा एक सवाल पूछूं, आलू ने पहली शादी की मेथी से, दूसरी करी गोभी से, तीसरी मूली से और चौथी गाजर से, अब बताओ उसकी पहली बीवी कौन थी? मेथी। अरे तू थी। भगवान आपने बचपन दिया 15 साल में वापस ले लिया, जवानी दी 10 साल में वापस ले ली, अब लुगाई दी 7 साल हो गए, कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, भूल तो नहीं गए। ये देखो एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही हिसाब लगा लो, वो बेचारा अभी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। Oh shit! Oh shit! तुम इतना मत चुपका करो मुझसे, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस? यार तुम लड़कियां कुछ हल्की चीज नहीं मांग सकती? पिछली वाली को चांद तारे चाहिए थे, तुझे स्पेस चाहिए। कोई अगली आएगी वो बोलेगी मुझे सोलर सिस्टम ला के दो। ए भाई ए तू जा रे। और तू जाओ, सुबह हो गई है। यार आज आँखें नहीं खोल रही, कोई ऐसी गल सुना कि मेरी आँख खुल जाए। तो सारी रात जिस मारा लगे रहे हो ना, वो मेरी ही दूजी आईडी है। हाँ खुल गई हूँ आँख। हमको बताइए सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले आप क्या करते थे? जो मेरा दिल करता था। सुनिए जी, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, वैसे क्या बनाओगी? जो आप कहो। दाल चावल बना लो फिर। सुबह ही तो खाए थे। रोटी सब्जी? बच्चे नहीं खाएंगे। ठीक है अंडे की भुर्जी बना दो। आज गुरुवार है। अरे फिर पराठे बना दो। रात को पराठे नहीं खाने चाहिए। फिर होटल से मंगवा लेना। रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाया जाता। कढ़ी चावल? दही नहीं है। इडली सांभर? समय लगेगा, पहले बोलना था। फिर एक काम करो मैगी बना लो। पेट नहीं भरता मैगी से। तो फिर क्या बनाओगी? जो आप कहो। रिसर्च से पता लगा है कि वाइफ से बात करने से इंसान की टेंशन कम होती है और माइंड 90% रिलैक्स रहता है। बस एक बात का ध्यान रखें, वाइफ अपनी ना हो। आगे एक सूट और ले आई है। अरे परसों की, परसों की, परसों बोलो। मतलब मैं कह रहा सी भी परसों भी एक सूट लेके आई है, आज कम से कम दो तो ले आंदी। ससुर जी आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग पीते हैं ठीक है, लेकिन थोड़ी कम कर दो, क्योंकि सिगरेट की वजह से मेरा एक दोस्त मर गया। वैसे क्या बीमारी थी आपके दोस्त को? बीमारी कुछ नहीं थी, सिगरेट लेने जा रहा था, गाड़ी ने ठोक दिया, मर गया साला। सुनो जी आप मुझे रानी क्यों बोलते हो? क्योंकि नौकरानी बोलना थोड़ा लंबा पड़ता है ना, इसीलिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? क्यों? जानवर बोलना थोड़ा लंबा पड़ता है ना, इसलिए। भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना, चल मेरे साथ। जा चुकी है वो। ओ मेरे दिल के महल विच रहंदी है, मैनू छड्ड के नहीं। कुदरत ने औरत को हसीन बनाया, खूबसूरती दी, चांद सा चेहरा दिया, हिरनी जैसी आंखें दी, मोरनी जैसी चाल, रेशम से बाल, कोयल जैसी मीठी आवाज दी, फूल सी मासूमियत दी, गुलाब से होठ, शहद से भी ज्यादा मिठास दी, प्यार भरा दिल दिया, और फिर क्या हुआ जानते हो? एक जुबान दी और सब सत्यानाश हो गया। बेटा। हाँ जी पापा। आज के दिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है? ठीक है। दीपक एक बात बोलूं? बोल। यार दूसरी पटा, भाभी अच्छी नहीं है। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन जी, आप पापा बन गए। मेरी वाइफ को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। राजा दशरथ का नाम सुनिया है? हाँ सुनिया से। उसकी 3 पत्नियाँ थी। हाँ पता है। तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। देखिए भगवान, द्रौपदी का नाम सुनिया से। ए, पागल, दिल पे ले लिया सारी बात में तुम। क्या जी? तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना। हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। तुम ही ने मेरी जिंदगी